तो बड़े मोहताहत अंदाज में मैं आपको यहाँ पे और नाजरीन के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये है कि किसी कहीं किसी जगह पे, यानी इस कहते हैं ना कि इस कायनात में कहीं किसी और कहकशा में, कहीं किसी और सितारे पे, सैयारे में, ये बात कहीं चल रही है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद रोज के लिए बरतानिया चले जाएं और इलाज अपना चेकअप करवाने के लिए, और वो पैनामा के फैसले से पहले अगर चले जाएं तो पैनामा का फैसला जो कि बड़ा सख्त मुतवक्कु है वो कुछ दिनों के लिए उसमें ताखीर हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब वहां से अपना फिर इस्तीफा भिजवा दें। यानी वही फार्मूला, वही दुनिया गोल है, घूम के फिर दोबारा। अब मुझे यकीन है इस बात का कि वजीर आजम हाउस तरदीद करेगा, वो गालम गलूच होगी वहां से, लेकिन मैं अपनी इस खबर पे बिल्कुल मैं कायम रहूंगा कि एक आइडिया फ्लोट हुआ है वजीर आजम हाउस से, और वो ये कि वजीर आजम मुल्क से बाहर जाए और वहां से अपना इस्तीफा भेज दें। और ये वही बात है जो आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले आपको याद है कि बहुत छिड़ी थी जी, और उस दौरान जो है वो मुतबादल कोई आ जाए, लेकिन ये जो सख्त केसेस हैं और कमीशन और ये सारा जो फैमिली का मसला है ये, लेकिन इसके ऊपर ये आइडिया तो आगे भेज दिया। अब लेकिन मसला ये है कि अदालतें तो फैसला लिख चुकी हैं और अदालतों ने तो फैसला अनाउंस करना है, तो ये ऑप्शन अगर बहुत पहले मियां साहब अप्लाई करते, मैंने पूछा रोज, मैंने कहा फैसला तो लिखा जा चुका है, हाँ लेकिन अब वो मियां साहब को भी पता है और वजीर आजम को भी पता है कि फैसला सख्त है, तो उसमें कोई ऐसी राह निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर के लोग कि वो मियां साहब की भी सेफ फेस सेविंग हो जाए और उसके नतीजे में ये जो वो फिर अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें, जो भी कर लें, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस मशवरे पे किस हद तक जो पाकिस्तान की अदलिया है, यानी अदलिया इस वक्त फैसला लिख चुकी है, अनाउंस करना है उन्होंने अगले हफ्ते, और अब लेकिन ये बहरहाल एक आइडिया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वही आइडिया जो आज से 6-7 महीने पहले लोग उनसे कह रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे चले जाएं और मरीम को भी साइड पे कर लें और बेगम कुलसुम नवाज साहिबा भी गालिबन यही चाह रही थी और फैमिली के बाकी लोग भी मशवरा दे रहे थे, मियां साहब ने कहा था नहीं, और उस वक्त मियां साहब को गालिबन जरदारी साहब ने मशवरा दिया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान जाओ और जाके डट के लड़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं।